ये लीजिए भैया, इसमें ना इसमें ये 4500 है, बाकी आपको ऑनलाइन दे रहा हूँ। तो ये वाला लेके जाएंगे एंड आराम से चल जाएगा, भैया ने बोला। अभी भैया जो है बैटरी को निकाल रहे, काफी बड़ी साइज वाली बैटरी है दोस्तों, तो मैं बैटरी जो है ये लुमिनस का लेके जाऊंगा। आप घर के अंदर पे रख दिया दोस्तों, मेरे दोस्त लोग यहाँ पे हेल्प किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सो के उठ गया हम लोगों ने, ब्रेकफास्ट भी कर लिया और बारिश ही बारिश हो रही है यहाँ पे, मौसम बहुत ही खराब है। और कल जो है लाइट भी नहीं था, हम लोग घर आए पूरा अंधेरा अंधेरा, लेकिन आज सुबह सो के उठा तो अलग सी बेचैनी दिल में, क्या बताऊँ। मंजिता को बहुत मिस कर रहे हैं हम सभी लोग, बट कोई बात नहीं, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए। तो मतलब एक होता है ना इमोशनल कनेक्शन, तो वो थोड़ा सा दूर पहली बार गई तो इसलिए थोड़ा सा इमोशनल, बट अंदर ही अंदर प्राउड भी फील कर रहा हूँ। और ये कभी कभी ये सोचते हैं कि मंजिता आप क्या कर रही होगी, आप पता नहीं रो रही होगी क्या, तो ये सब थोड़ा, लेकिन रोना तो नहीं चाहिए उसको। काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त मिले स्कूल पर, और जो सिस्टर वगैरह जो केयर टेकर है सभी अच्छे हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एवरी सेकेंड संडे, मंथ का सेकेंड संडे को मैं जाऊँगा, मैं अपना ब्लैक पैंथर लेके जाऊँगा, विजिट करके आऊँगा मैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखो खाना वाना खाने के बाद सदरपुर है, यहाँ पे झूला झूल रहा है, मम्मी ने उसको एक ट्रेडिशनल वाला जुगाड़ बना दिया है। और यहाँ पे ब्लॉक पे मंजिता को देख रहे हैं मम्मी लोग, देखो सभी लोग बैठ के मंजिता को देख रहे हैं। अब मेरा ब्लॉग जो अपलोड हो चुका है वही देख रहे हैं। अभी घर पे पूरा अकेला अकेला था, एकदम बोरिंग। मैं, प्रीति उसका बेटा है और दीदी है, वो लोग अपने अपने रूम पे है, और मम्मी पापा और जेरी लोग गए हैं मार्केट में, तो मंजिता भी नहीं है घर पे, पूरा सुना सुना। और मुझे जो समीर भैया है उन्होंने मुझे मतलब वॉइस मैसेज दिया था, मछली मिला है बड़ा वाला, तो लाने के लिए बोला हूँ और पहुँच चुके। ये देखो एकदम बड़ा वाला मछली, पहुँच चुका हूँ अभी, देखने मिलेगा गाइस। बड़ा है ना भैया? तो मेरे ससुरपुरा के लिए ना, मेरे जो मेरे पिताजी लोग आए हैं तो उनको खिलाएंगे एकदम बड़ा वाला मछली। वाह, 1 किलो से ज्यादा है ना? 1 किलो से ज्यादा है। वाह, ये देखिए दोस्तों काफी बड़ा है। ओ, बॉयल खाएंगे आज तो एकदम बढ़िया से, एकदम लोकल है। लोकल है। यहाँ पे मछली को भी रख दिया है और भैया ने गप्पे सप्पे लड़ा लिया यहाँ पे, तो बहुत देर तक अभी जाके धान तो लगाना ही पड़ेगा। अभी भैया को भी जाना पड़ेगा, किसान है, पूरा काम वगैरह करना पड़ता है। धान की खेती कर रहे हो ना आप? जी जी। अच्छा, अभी लगाने टाइम हो रहा है जी। अच्छा अच्छा, क्योंकि बारिश का मौसम लगाना ही पड़ेगा। जी जी जी। मछली को भी यहाँ रख दिया, भैया भी जा रहे हैं। तो ये जो है मछली 1 किलो से तो ज्यादा है ना भैया? 1 किलो से ज्यादा है बोला है, तो मैंने भैया को दिया है 400 रुपीज। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। जेरी लोग आ गए वापस और सदर भी जा रहा है, देखो वो मम्मी लोग को लेने के लिए आधे रास्ते से। सुबह ब्रेकफास्ट करके मार्केट गए थे, फिर उसके बाद इतना खतरनाक से बारिश थी, सभी लोग एक एक छाता लेके गए, फिर भी पूरा। अच्छा, वो देखो मम्मी लोग आ रहे हैं ना? आ रहे हैं। और बुज्जी गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग नहीं, अभी तो आफ्टरनून हो गया रे बुज्जी। बुज्जे यहाँ पे देखो क्या क्या लिया आज, बहुत कुछ लिया है। हाँ, बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, बाद में दिखाऊंगा। मम्मी आ गए, वाह नया नया पैंट, वाह सदर भी खुश, देखो बुज्जे लोग भी खुश। अभी ये जो मछली है इसकी साफ सफाई करूंगा, उसके बाद जाना है तेजू। तेजू अभी क्यों जा रहे हैं हम लोग, एक्चुअली मैं लेने जाऊंगा इन्वर्टर, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत डिस्टर्ब दे रहा है, तो लेके आऊंगा। अभी फिलहाल इसे जो है सफा करते हैं, उसका इसका बॉयल करके खाएंगे। सदर खाओगे सदर बेटा? ये देखो सदर यहाँ पे आ गया है। और ये मछली मछली के साथ खाएगा। काफी बड़ा मछली है, समीर भाई आने लाया था। अभी ये देखिए दोस्तों इसकी साफ सफाई हो गई है, अभी इसकी कटिंग, ये देखो भाई साहब काफी वो है, टाइट है जुगाड़। अभी मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया दोस्तों, और यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे के क्या गप्पे सप्पे लड़ा रहे, पता नहीं। सदर, ओ सदर, दीदी कहाँ गए? मंजिता दीदी हुदू जी, एवी, हाँ ये देखो एवी सीधी पढ़ने गई है, इसे कहना चाहता है मतलब ये। और बुज्जे बाय बाय, बुज्जे बाय बाय, बाय बाय बोलो, बाय बाय। हाँ हाँ ठीक है, बुज्जे लाऊंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम आज लाएंगे बैटरी एंड इन्वर्टर दोस्तों, क्योंकि लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे घर पे। तो फिलहाल चले जाते हैं, यहाँ पे है पम्पम, पम्पम एक बार पम्पम बोलो ना, पम्पम पम्पम है पम्पम पम। हाँ क्या हुआ? पापा के लिए ब्लेड लेके आओ, ब्लेड ओनली, ब्लेड नो रेजर। ओके ओके ओके, श्योर। अच्छा ओनली ब्लेड, ओके श्योर, चले जाते हैं अभी। बाय 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 बाय।
बाय बाय। अभी मैं और मनोज जा रहे हैं तेजू की तरफ। तो अभी जो है एक्चुअली मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पा रहा हूँ आप सभी के प्यार की वजह से। मैं आज फाइनली बैटरी इन्वर्टर लेने जा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे तो मैं अभी तक रुका हुआ था क्योंकि मतलब ज़्यादा एक ही साथ में खर्चा करना भी अच्छी बात नहीं होती है, तो मैं थोड़ा सा देख देख के संभाल के मतलब ऐसा कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी मैंने सोचा है सोच समझ के, क्योंकि 3 दिन तक लाइट नहीं हमारे पास, तो अगर ऐसे ही रहा तो मैं वीडियो नहीं दे पाऊँगा, अगर वीडियो नहीं दे पाए तो मेरा एकमात्र इनकम सोर्स ये है तो काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी, तो इसलिए लेने जा रहा है। और एक कॉल घुमाया इस बंदे को, यह हाजिर हो गया, तो जाएंगे इसका भी अगर कुछ काम होगा वो भी कंप्लीट करेंगे, मैं भी अपना बैटरी इन्वर्टर लेके आऊँगा। तो आज के बाद घर में रोशनी होगी, मुझसे आज तो नहीं हो पाएगी साथ, उसको फिटिंग भी कैसे करना है उसको, वो जो इलेक्ट्रीशियन है उसे बुलाना पड़ेगा। कल से तो मतलब फिट फाट हो जाएंगे। आधे रास्ते पे एक बच्चा और हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, बेच दो। वाओ हेलो, खच्चर खच्चर कहते हैं ना इसे, घोड़ा नहीं है ना, खच्चर गोरा है। अच्छा तो आपके देखो तो, जाओ देखो तो अभी हम लोग तेजू पहुंच चुके हैं दोस्तों, लेकिन पूरा मार्केट बंद है। तो लकीली भैया का नंबर हम लोग के पास था, तो भैया को कॉल किया, हम लोगों ने बुलाया और भैया आ गए। अभी अंदर में देखते हैं भैया को, मतलब बातचीत तो हो चुका है कि कितना का कितना रेंज वाला है, तो भैया ने बोला है हमें, तो अभी देखेंगे। अगर पसंद आता है तो हम लोग जरूर से लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आ गया, खुल गया दोस्तों। तो यही सेम दुकान से मैंने जो अपना फ्रिज लेके गया था, तो यहीं पे आ गया हूँ दोबारा। मैं नमसाई से लेने वाला था, वहाँ पे कॉल किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया, तो वहाँ से नहीं हो पाया। और मनोज का भी इधर में काम था, तो साथ में ही मतलब एक ही साथ में दोनों काम हो जाएगा, इसलिए आ गया मैं। तो फिलहाल अभी देख लेते, अभी आते ही भैया ने लाइट साइट पूरा ऑन कर दिए हैं, तो अभी मज़ा आ रहा है एकदम। घर पे रोशनी होने से बहुत मजा आता है। कहाँ पे है बेहतरीन इन्वर्टर? ये क्या है लुमिनस? ये है बेहतरीन? हाँ ये वाला है ना, इतना बड़ा है। अभी क्या कांड होने वाला था यहाँ पे, मोबाइल देने मिला था, अभी हाथ से गिर गया था। ये गिर गया था एक्चुअली, ये डेमो मोबाइल है, अच्छा हुआ डेमो मोबाइल है, नहीं तो भरना पड़ना था। अभी भैया जो है बैटरी को निकाल रहे, काफ़ी बड़ी साइज वाली बैटरी है दोस्तों, तो मैं बैटरी जो है ये लुमिनस का लेके जाऊंगा, एंड जो इन्वर्टर है वो मैं ये वाला लेके जाऊंगा। ये खुद भैया भी यूज़ कर रहे हैं, बोले काफ़ी अच्छी है बोला है ना, तो ये वाला लेके जाएंगे एंड आराम से चल जाएगा भैया ने बोला। तो फ्रिज भी मैंने यहीं से लिया था, इसका छोटा भाई को लिया था मैंने, ये तो बड़का वाला भाई है, तो छोटा वाला लिया था मैंने थोड़ा सा बजट को लेके, इसलिए और बड़ा ज़्यादा मतलब महंगा वाला लेके भी फ़ायदा नहीं, हम लोग उतना फ्रिज में उतना डिपेंडेंट नहीं रहते हम लोग। लेकिन लाइट जो है मस्त नेसेसरी होती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आके भैया ने लाइट चला दिया तो कितना मस्त लग रहा है, तो अंधेरा में रहना किसी को भी पसंद नहीं। तो बैटरी देख लेते हैं, ये देखिए इसको, इसको फिटिंग भी करना पड़ेगा क्या? ना फिटिंग है? नहीं नहीं वो तो फिटिंग रहता है बस। अच्छा कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, फिर भैया इसे खोल रहे हैं, इन्वर्टर को भी खोल के एकदम देखेंगे। ये खुल चुका है दोस्तों, अंदर में ऐसा ही है। अच्छा लाइफ गार्ड का 900 ये मनोज तुम लोग का कितना है? कितना है? इतना ही है क्या? सेम ही होगा ना। अच्छा ये देखिए रेड ट्यूब आपका पूरा ऊपर है ना, जी जी पानी ठीक है, ठीक है पानी। ये जब क्या होगा कि जब कम होगा जी जी ये डाउन होता है ना। हाँ हाँ ये रेड वाला डाउन हो जाएगा जी जी, तो आपको पता चलेगा पानी डालना है, पानी डालना है ना। अच्छा वाटर आता है घर वाला जी जी, हाँ डिस्टिल वाटर, बस वो देखना है ना। और डिस्टिल वाटर के साथ एसिड भी मिक्स करना है? नहीं 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 वो मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, डिस्टिल वाटर मिलेगा। अच्छा अच्छा
तो ये सब चीजें जो है मतलब पहले से ही पूछ के जाना चाहिए, क्योंकि बाद में गड़बड़ी नहीं होना है ना। हर चीज जो है अच्छे से मतलब एक सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए, तो इसलिए पूछ रहे हैं। उसे मालूम तो है कि डिस्ट्रिक्ट वाटर डालना है वगैरह वगैरह, बट फिर भी आपको कंसल्टेंट की जरूरत होती है, तो इसलिए पूछ के जा रहे हैं। तो अभी कंफर्म हो चुका है, हम लोग ये वाला लुमिनस वाला बड़ा वाला एकदम बैटरी लेके जाएंगे, और ये जो इन्वर्टर है ये लेके जाएंगे हम लोग। वाह, अक्षय कुमार जी एडवर्टाइज कर रहे हैं इसका, और इसका सचिन तेंदुलकर जी, दोनों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडवर्टाइज कर रहे हैं। यहाँ अभी भैया बिलिंग वगैरह बनाएंगे, सब कुछ डाल रहे हैं। फाइनली दोस्तों ये देखिए, आज पूरा खुश होंगे, पूरा घर वाले जो है पूरा खुश हो जाएंगे। एंड आज तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें उतना आइडिया नहीं है, तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के कल ही कनेक्शन हो पाएगी। यहाँ पे इसका MRP जो है 9100 है, तो भैया को अभी देखते हैं कितना लगाते हैं। वैसे भैया के तो हम रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, तो भैया को थोड़ा बहुत कंसिडर करना चाहिए अभी, है कि नहीं पम्पम? पम्पम से लगाएगा ये पम्पम। हाँ 9000 रहते हैं, कितना लगाएगा बोलो? अभी देखते हैं भैया कितना लगाते हैं, हम हिसाब में देखते हैं। 17,500 अरे ये तो फ्रिज का ही दाम हो गया सेम टू सेम। आप मेरे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, तो जो आप बोलेंगे वही रेट में मिल जाएगा। 17,000 लगा दीजिए इस बार तो। इसमें क्या देखिए, हम आइटम दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा दिए। हमको फिर आना है, फिर से मुझे फिल्टर लेना पड़ेगा, मुझे फिर से दोबारा आना है मुझे। तो यहाँ पे बिलिंग वगैरह हो चुकी है दोस्तों 17,500। तो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं अभी हमारे पम्पमुआ और भैया। देखिए काफी भारी है ना ये, अप्रोक्सीमेटली कितना केजी का होगा भैया? 45 तो 50 हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे निकाल लिया दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्टर भी है और बैटरी भी है, अभी लोड करेंगे उसके बाद लेके जाएंगे, पेमेंट देना है भैया को। ये लीजिए भैया, इसमें ना इसमें ये 4500 है, बाकी आपको ऑनलाइन दे रहा हूँ। पेमेंट भी सब हो गया, ठीक है चलते हैं भैया, थैंक यू, चलो हो गया। ये यहाँ पे बिल वगैरह, ये क्या कहते हैं, बिल है और इसमें गारंटी वाले कागज सब कुछ है। अरे अकेले लोड कर दिया, अरे बाप रे पहलवान भाई साहब, ये देखिए यहाँ पे पूरा अकेले इन्होंने लोड कर दिया। तो अभी चलते हैं, इसे बंद कर देते हैं। और अभी अभी जेरी का कॉल आया है, हमारे गांव पे लाइट आई है लेकिन हमारे घर पे नहीं आई अभी तक, इसलिए अभी जाके मैं अभी रोशनी दिला दूंगा, अंधेरे पे नहीं रखेंगे हम अपने परिवार को। अरे अरे ये तूते हो गया, चलो अभी इसको भी जल्दीबाजी में जाना पड़ेगा, बेचारा ये बहुत ही बिजी रहते हैं, फिर भी अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल के आते हैं। तो दोस्त हो तो ऐसा, आप में से कई सारे लोग भी कहते हैं कि लकी हूँ मैं जो कि मनोज जैसा दोस्त मिला है मुझे, और आप लोग को भी उम्मीद है, भगवान से ये दुआ रहेगा आप लोग को भी ऐसा दोस्त मिले, है कि नहीं? पम पम। और यहाँ कौन है सरप्राइज, देखो भाई साहब इतना देर कहाँ है, इतना देर इतना आया है स्पीच में, कितना दिया है इन्वर्टर? आपका ये 2-3 दिन अभी हम भी एक नाम से ले लेगा, ले लेना इसको वहाँ में, छोड़ो ये गाड़ी लेके चल, हम गाड़ी लेके चला जाएगा फ्राइडे बाजार। अरे देखो आज मेरा जलवा बना दूंगा, चलो आज अचानक से मिल गया। देखो एक्चुअली मोनू का जो है गोल्डन प्ले बटन आ चुका है, तो दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में फैमिली आ गए तो उन्हें भी नहीं छोड़ सकता, और ये इसको मतलब हर बारे में इसलिए जाना पड़ रहा है मोनू के पास, तो जाने का बहुत मन है यार। इतने दिनों के बाद हम लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं मोनू और मैं, तो जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करें उपाय नहीं है, मेरे तरफ से भी पूरा फुल एंजॉय। अच्छा से गाड़ी चलाना, हम पहली बार अकेले जाने वाले हैं घर में, मैं अकेले जाऊंगा ड्राइव करते हुए, एकदम स्लोली जाऊंगा। वैसे तो अभी हिम्मत भी बढ़ चुका है अच्छे से, थोड़ा बहुत आता भी है, हिम्मत तो होना चाहिए। तो घर पे लेके मुझे कार को लेके जाना पड़ेगा, और ये लोग जो है दूसरे कार पे वो लोग डाउन चले जाएंगे मोनू के घर। अभी मुझे ड्राइव करते हुए जाना पड़ेगा, मोनू लोग वहाँ पे रुक रहे हैं, तो अभी इसे जाना पड़ेगा। तो आज पहली बार अकेले ड्राइव करूंगा मैं। ओके ओके ब्रो, नो टेंशन। हाँ
देखो जिंदा जिंदा पोस्ट नहीं कर रहा नहीं आपका दोस्त इतना जल्दी मरने वाला नहीं है, रिसेंटली पेट फार गया मेरा फिर भी जिंदा हूँ ठीक है। और आप लोग अच्छे से आना ठीक है, हम हैंड ब्रेक लगा दिया ओह ठीक है। हाँ देखो ये क्लास दबाओ, हाँ ब्रेक दबाओ, क्लास और ब्रेक दबाओ, हाँ दरवाजा बंद करो। अकेले अकेले मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मजा आ रहा है पहली बार। यहाँ पे देखो मनोज नहीं है, ये सीट पूरा सुना सुना हो गया। एक्सपीरियंस धीरे धीरे सीखना चाहिए हर किसी को। फाइनली घर पहुंच गया दोस्तों मैं, और यहाँ पे अमित दोस्त लोग भी आ गए मदद करने के लिए। ये जो बैटरी है काफी भारी है तो इसे उठाना है, काफी भारी है ये, 50 है वो होगा शायद केजी, भारी है ना। घर के अंदर पे रख दिया दोस्तों, मेरे दोस्त लोग यहाँ पे हेल्प किया और वो लोग चले भी गए हैं। तो आज तो नहीं हो पाएगा, तो कल से हम लोग बिल्कुल लाइट में रोशनी में रहेंगे। वैसे पूरे गांव पे इलेक्ट्रिसिटी आ चुके हैं लेकिन हमारे एरिया पे नहीं है क्योंकि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो ये देखो डिनर के लिए पूरा कैंडल लाइट चलाना पड़ रहा है, लेकिन कल से कोई परेशानी नहीं होगी, कल से एकदम फिट फाट। जितना अभी तूफान आए बारिश है उसके बाद हम लोग रोशनी में रहेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का डिनर भी हो चुका है, एंड डिनर खत्म होने के साथ साथ लाइट आ गई। ये कैसा ना इंसाफी है यार, डिनर करने तक अंधेरा में उसके बाद लाइट आ गई। तो आज इन्वर्टर ला दिया तो शायद उसका वजह से भी आया होगा, डर गया होगा करंट हमारे वजह से। तो मजाक की बात है अलग, तो आज जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इन्वर्टर वगैरह आ चुका है, इससे अगर लाइट चली जाती है बैटरी वगैरह से हम लोग काम चला लेंगे इन्वर्टर से, और मैं वीडियो देने के लिए भी कोई टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि मेरा जो है वीडियो बनाना ये मेरा एक ड्यूटी है, मेरा जॉब की तरह है ये। मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं ले पा रहा हूँ सब यूट्यूब की वजह से। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को, जितने भी व्यूअर्स है देखते हैं प्यार करते हैं, एंड यूट्यूब को भी थैंक यू। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस जहाँ पर लोग जो है अपने लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं ना यूट्यूब की वजह से। तो आप लोग भी जरूर से ट्राई कीजिए, मैं तो कहता हूँ बार बार यूट्यूब में बहुत स्कोप है, इनफैक्ट नौकरी से भी ज़्यादा स्कोप है। अगर आप व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं तो बहुत स्कोप है। मैं मतलब इसमें ऐसा होता है कि आप रिवील नहीं कर सकते हो लेकिन बहुत स्कोप है, मैं बता रहा हूँ आप लोग समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ आज हम ये ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।